गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तोष क्या बन जाएगा? संतोष। दे प्लस इंदर क्या बन जाएगा? देवेंद्र। तो ये सारे शब्द क्या हैं? संधि कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम संधि का पहला भेद पढ़ेंगे, स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलया क्या बन जाएगा? विद्यालय। हिम प्लस आलया तो क्या बन जाएगा? हिमालय। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्ध संधि, चौथी यन संधि और फिफ्थ अयादि संधि। तो अब हम पढ़ेंगे संधि का दूसरा भेद, व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत प्लस चंद क्या बन जाएगा? शरत चंद। उत प्लस उज्ज्वल तो क्या बन जाएगा? उज्ज्वल। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? व्यंजन संधि। तो अब हम पढ़ेंगे संधि का अंतिम भेद, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण मन प्लस अनुकूल तो क्या बन जाएगा? मनोकूल। तो ये सारे शब्द क्या हैं? विसर्ग संधि कहलाते हैं। धन्यवाद।